हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर किया था रिगार्डिंग दी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की नवंबर में लॉन्च होने वाली है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ इसकी कुछ स्पाइड इमेजेस भी शेयर की थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्पाइड इमेजेस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की है, जो कि डीलरशिप पर स्पाइड की गई है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो डीलरशिप पर रीचेस हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं, जो डिस्पैचेस हैं डीलरशिप के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नवंबर में लॉन्च होने वाली है और अगर आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो बुक करानी है तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पर भी रीच कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की इमेजेस दिखाने वाला हूं, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की, इसके एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, कि क्या कुछ हमें इसमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि इस तरीके के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सो बात करते हैं अब इसके अनडिस्गाइज्ड फोटोग्राफ्स के बारे में। सो गाइज, आप इमेजेस के अंदर देख सकते हैं ये है व्हाइट कलर जिसके अंदर सिलेरियो न्यू जनरेशन स्पाइड हुआ है और ओवरऑल जो इसका लुक है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। फ्रंट में आपको रीडिजाइंड ओवल शेप में इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और बीच में आपको एक क्रोम बार मिलता है जो कि दोनों ही हेडलैम्प्स को आपस में कनेक्ट करता है। न्यू सॉर्ट ऑफ ग्रिल मिलती है जो कि पहले से स्मॉल कर दी गई है। न्यू फॉग लैम्प हाउसिंग और रीडिजाइंड आपको बम्पर मिलता है। पूरा जो फ्रंट फेस है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, काफ़ी अमेजिंग भी लग रहा है। अगर आप इसके साइड लुक देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स जो कि ब्लैक कलर के अंदर, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आपको जो इसके ओआरवीएम्स है उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। बी पिलर आपको मैट एंड फिनिश के अंदर मिलता है। कन्वेंशनली आपको इसका एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा और इस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री। आप देख सकते हैं जो सेंसर है वो ड्राइवर साइड पर प्लेस्ड किया गया है जो कि एक अलग तरीके से है, यूनिक यहाँ पर आपको लुक मिलता है। डोर हैंडल पर नहीं दिया गया है, ये साइड में दिया गया है। अगर आप इसका रियर देखते रहते हैं तो रैप अराउंड आपको टेल लैंप्स मिलते हैं, रियर डिफॉगर, वाइपर और पीछे भी आपको जो सेंसर है पैसिव एंट्री का वो इसके कीलेस एंट्री वाला जो ऑप्शन है बूट के लिए वो यहाँ पर मिल जाता है। जो इसके रिफ्लेक्टर्स हैं वो बम्पर पर प्लेस किए गए हैं। न्यू सॉर्ट ऑफ आपको बम्पर मिलता है, कुछ ऐसा लुक है इसका बूट का। जो पार्सल ट्रे है वो यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर गिवन करा दी गई है। ये था कुछ इसका आउटलुक। अगर आप इसका इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एक सिंगल थीम मिलेगी जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। हर जगह आपको सिल्वर एसेंट्स का वर्क मिल जाएगा। अगर बात करें इसके सेंटर कंसोल की, 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है जो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प का जो बटन है वो उसी के एकदम नीचे मिल जाता है। काफ़ी यूनिक लुक आपको इस पर देखने के लिए मिलेगी। इसके एसी वेंट्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसी वेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। मैनुअली एडजस्टेबल आपको एसी यूनिट मिलती है, उसके नीचे 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट, साथ में ऑक्स एंड यूएसबी का सॉकेट मिलता है। मोबाइल जो होल्डर है पॉकेट वो आपको यहाँ पर दी गई है, उसी के साथ में गिवन मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स। जो गियर नॉप है उसके सराउंड्स में आपको सिल्वर एसेंस का वर्क मिलेगा। यहीं जो अगर आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखते हैं तो ओवल शेप के अंदर है, सर्कुलर शेप है पूरा और जो ऑडियो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर गिवन करा दिए गए हैं। साथ में जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं कॉल पिक करने के, डिस्कनेक्ट करने के एंड जो वॉइस रिकॉग्निशन का सपोर्ट है वो भी यहाँ पर गिवन करा दिया गया है। पूरा सिल्वर एसेंस का वर्क आपको स्टेयरिंग व्हील पर भी मिलेगा। अगर आप इसके क्लस्टर मीटर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिया गया है और यहाँ यहाँ पर छोटी सी एक MID भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आपको मिलता है इसका जो ORVM है वो टर्न इंडिकेटर के साथ मिलता है, जिसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एडजस्टमेंट मिलती है। कीलेस एंट्री इस कार के अंदर मिलती है, इसलिए स्टार्ट स्टॉप का जो स्विच है वो भी यहाँ पर गिवन करा दिया गया है। अगर आप इसके डोर पैनल्स देखते हैं तो जो अंदर की साइड इसका डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर एंड फिनिश के साथ अमेजिंग लगेगा। सो गाइस, ये थी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की कुछ अनडिस्गाइज फोटोग्राफ्स जो कि डीलरशिप पर स्पाइड हुई है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको करंट जनरेशन सिलेरियो ज़्यादा पसंद आती है एज पर द लुक्स या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो लॉन्च करने वाले हैं वो ज़्यादा पसंद आए। सो गाइस, ये था इस वीडियो के लिए ये अपडेट रिगार्डिंग दिस सिलेरियो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।